A very good morning, dear aspirants. Bajju's Government Exams Prep Channel में आपका स्वागत है. Welcome to the lecture on this day in history. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन, यानी कि 14 जनवरी को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको लोरी मकर संक्रांति उत्तरायण बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो है 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज अ मेजर बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री फोर्ट ऑन द दिन ऑफ जनवरी सेवनटीन सिक्सटी वन बिटवीन द अफगान फोर्सेज ऑफ अहमद शाह दुरानी अलोंग विथ हिज लोकल अलाइस अगेंस्ट द मराठा एम्पायर पहले डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड

अफगानिस्तान में दूरानी साम्राज्य की स्थापना की थी ही लाहौर अंडर हिज कंट्रोल नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटल द बैटल टुक प्लेस एट पानीपत इन हरियाणा अबाउट नाइंटी सेवन किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बिटवीन द इनवेडिंग अफगान फोर्सेज एंड द मराठा फोर्सेस दी अफगान फोर्सेस को लीड कर रहे थे उनके सम्राट अहमद शाह दुरानी दुरानी गॉट हेल्प फ्रॉम रोहिला अफ़गान्स ऑफ दोआब एंड शुजा उदौला द नवाब ऑफ अवध ऑन द अदर हैंड मराठा को सिख जाट या राजपूतों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था द बैटल लास्टेड सेवरल डेज एंड बोथ साइड सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज तो इस बैटल का नतीजा क्या था दुरानी की सेना की संख्या भारी थी और दुरानी की सेनाओं से मराठाओं की हार हुई द कमांडर इन चीफ ऑफ द मराठा कैंप वाज सदाशिवराव भाव एंड द अदर इंपॉर्टेंट कमांडर्स इन द मराठा साइड वर विश्वासराव जो पेशवा बालाजी बाजीराव के सुपुत्र थे और राव होलकर एंड महाजी शिंदे हजारों मराठाओं के साथ-साथ सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव को इस लड़ाई के दौरान मारा गया पेशवा की भी इस अपार हार के कारण सदमे से मौत हो गई अहमद शाह दुर्रानी रिटर्न टू हिज कैपिटल आफ्टर द वॉर एंड डिड नॉट स्टे इन इंडिया ही ऑर्डर्ड द चीफ्स इन इंडिया व्हिच इंक्लूडेड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिकॉग्नाइज द मुगल शाह आलम द सेकंड एज द एम्परर इवन दो द मराठा सर्ज वाज चेक्ड दे रिटूक दिल्ली विद इन 10 इयर्स चलिए आगे बढ़कर देखते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना जो आज के दिन घटित हुई थी जो है 1926 ट्वेंटी अ राइटर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट महाश्वेता देवी वॉज बोर्न लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का जन्म हुआ था महाश्वेता देवी इज अ बंगाली राइटर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट हु लोधा एंड शबार ट्राइबल पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल बिहार मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया का डाका में जो वर्तमान बांग्लादेश में है हर फादर मनीष घाटक इनकी माँ धरित्री देवी भी लेखिका और सोशल वर्कर थी महाश्वेता देवी ऑल्सो स्टडीड एट द विश्व भारती यूनिवर्सिटी बाय रबीनाथ टगोर इन दर नाइनटीन ट्वेंटी वन Mahashweta Devi wrote over hundred novels and over twenty collections of short stories, primarily written in Bengali language. Her first novel was Rani. Her famous works include Rudali, Hajar Chura Sharma, etc. Her work Aranyer Adhikar was about the life of Birsa Munda. मुंडा रेबिलियन ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एक प्रोमिनेंट ट्राइबल रेबिलियन था जिसके लीडर थे महाश्वेता देवी को साहित्य अकेदेमी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है शी इज ऑल्सो रामोन मैक्स अवार्डी 2012 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था शी हेज ऑल्सो रिसीव सार्क लिटरेरी अवार्ड 23 जुलाई 2016 में इनका निधन हो गया आगे बढ़कर देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है 1937 इंडियन पोएट ऑथर प्ले राइट जयशंकर प्रसाद वजबॉर्न भारतीय कवि लेखक और नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 14 जनवरी एज हिंदी थिएटर प्रसाद इनका पेन नेम था एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री विद नेम ऑफ कलाधर लेटर ऑन प्रसाद छायावाद, अ लिटरेरी ट्रेंड इन हिंदी लिटरेचर ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ रोमेंटिस हिंदी लिटरेचर विच इज अलोंग विध सुमित्रंत महादेवी वर्मा एंड सूर्य कांत त्रिपाठी इनके प्रसिद्ध पोएम्स है कानन कुम झरना प्रेम पथिक एंड आत्मकथिया इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक है एक घूट स्कंद गुप्ता राज्यश्री एसेट्रा अगला इवेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1950 इंडियन रिलीजियस लीडर स्कॉलर एंड ऑथर रामभद्राचार्य वाज बोर्न जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य वाज नेम्ड गिरिधर मिश्रा एट बर्थ ही इज एन इंडियन हिंदू स्पिरिचुअल लीडर एजुकेटर सांस्कृत स्कॉलर बेस्ड इन चित्रकूट व्हिच इज अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर इन मध्य प्रदेश ये तुलसीपीठ के फाउंडर है जो एक चित्रकूट में स्थित रिलीजियस एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट है द तुलसी पीठ इज ने मानस राम भद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद के नेता भी है माँ शबरी अरुणती एटसेट्रा 2015 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था The next topic of discussion for today is 1962 Indian engineer and scholar Sir M. Vishveshwaraya passed away. Bharati engineer or Vidwan Sir M. Vishveshwaraya ka nidhan ho gaya. Sir M. Vishveshwaraya is a famous Indian civil engineer, statesman and a scholar. In 1912 se 1919 tak Mysore ke diwan the. He was also among the board of directors of Tata Steel. इनका जन्म 15 सितंबर 1860 में हुआ था इन मुद्दे नली जो वर्तमान कर्नाटका में है हिज दैट इज इज ऑफ सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे इन इंडिया इन हिज मेमोरी ये कर्नाटका में स्थित कृष्ण राज सागरा डैम जिसे के आर एस डैम के नाम से भी जाना जाता है इसके चीफ इंजीनियर थे द के आर एस डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस रिवर कावेरी इन दर नाइनटीन ट्वेंटी फोर विश्वेश्वर चीफ इंजीनियर्स ऑफ द फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम इन सिटी ऑफ हैदराबाद इन्हें 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन बेलगावी यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैयाैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बैंगलोर सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंगलोर एंड विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन नागपुर आर नेम्ड इन हिज ऑनर आज ही के दिन यानी कि फोर्टीन जनवरी 1962 में इनका निधन हो गया अगला इंपोर्टेंट इवेंट जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है 1977 इंडियन रेस कार रेस कार कार ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन भारतीय चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ था नारायण कार्तिकेयन इज इंडिया फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कोयम्बतुर में इन दर नाइनटीन सेवन Karthikeyan made his debut in the year 2005 driving for Jordan. ये कई सारे कार रेसेस के विजेता रह चुके हैं इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है इस टॉपिक से आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि ये इंडिया के फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर है ऑल्सो नोट दैट करुण चांदोक इज येट अनादर फेमस फॉर्मूला वन ड्राइवर फ्रॉम इंडिया चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न ये सारे क्वेश्चंस आज ही के डिस्कशन पर आधारित है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के सही जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एसोसिएटेड कलोल लिटरेरी मूवमेंट निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी कलोल साहित्य आंदोलन से जुड़ी है ऑप्शन ए कन्नडा ऑप्शन बी बंगाली ऑप्शन सी ओडिया या ऑप्शन डी मलयालम क्वेश्चन नंबर टू द इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज रेबिलियन उलगुलन इन विद्रोहों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए मोपला रेबिलियन ऑप्शन बी कोल रेबिलियन ऑप्शन सी संथाल रेबिलियन या ऑप्शन डी मुंडा रेबिलियन

ऑप्शन सी 14 जनवरी 1751 या ऑप्शन डी 1526 क्वेश्चन नंबर फाइव, हु इज एप्रिली द फादर ऑफ मॉडर्न माइसोर स्टेट आधुनिक माइसोर राज्य के पिता किसे माना जाता है ऑप्शन ए सर एम विश्वेश्वर ऑप्शन बी कृष्ण राजा वडेयर सी चाम राजेंद्र वडेयर टेंथ या ऑप्शन डी जय चामराजेंद्र वडियर क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इज द दामचरित मानस रामचरित मानस का लेखक कौन है ऑप्शन ए रामभद्राचार्य ऑप्शन बी तुलसीदास ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी मीराबाई आज का लास्ट क्वेश्चन हु इज इंडिया फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर भारत का पहला फॉर्मूला वन ड्राइवर कौन है ऑप्शन ए करुण चांदोक ऑप्शन बी अरमान इब्राहिम ऑप्शन सी नारायण कार्तिकेयन या ऑप्शन डी आदित्य पटेल मैं उम्मीद करती हूँ वैल्यूएल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस को लाइक करे और अपने फेलो एस्पर के साथ शेयर करे कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग